पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। संगठन पूरी तरीके से तैयार है और 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। सर, सहयोगी दलों को लेकर के भी आप लोगों ने कुछ रणनीति पे चर्चा की है इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि जानते हैं 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और बिहार जदयू की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी आज। इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बिहार जदयू के बड़े नेता मौजूद थे और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक की अध्यक्षता में सभी नेताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया कि बिहार में जितने भी विकास का काम हुआ है, सभी विकास के कामों को और मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई गई है, उस योजना को लेकर सभी जनता के बीच में जाएं और सभी को इस योजना के बारे में अवगत कराएं, इस तरह के निर्देश दिया है। और इस बैठक समाप्ति के बाद विजय चौधरी का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है पहले आप ये सुने। पूरी तरीके से तैयार है और 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। सहयोगी दलों को लेकर के भी आप लोगों ने कुछ रणनीति पे चर्चा की है इस बार? नहीं, सभी सहयोगी दलों के आपस में समन्वय पूरे तरीके से कायम है और किसी भी सहयोगी दल से किसी प्रकार कोई ये बात नहीं है। बीच में पूरा समन्वय सहयोग है, पूरा समन्वय है। नहीं नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा है, आज भी कहा है कि 2025 जो एनडीए का अभी स्वरूप है उसी स्वरूप को बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। विजय चौधरी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी बिहार जदयू की बैठक, जिसमें बिहार जदयू के सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार कर रहे थे और साफ तौर पर निर्देश दे दिया है सभी नेताओं को कि जितने भी बिहार में विकास का काम हुआ है और मुख्यमंत्री का जितना भी योजना है, सभी योजना को लेकर बिहार के सभी जनता के पास जाएं और इस योजना के बारे में अवगत कराएं, इस तरह के निर्देश दिया है। तो वहीं सीधे तौर पर विजय चौधरी ने कह दिया है, क्लियर किया है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें 225 सीट हम लोग एनडीए लाएंगे और एनडीए के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसका जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार होंगे और पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े हैं नीतीश कुमार के साथ और ये चुनाव जीतेंगे, इस तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और नीतीश कुमार अब किसी दल में नहीं जाने वाले हैं। साफ क्लियर करते हुए वो विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी दल में नहीं जाने वाले और एनडीए के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा और इस नेतृत्व का नेता नीतीश कुमार होंगे और 225 सीट के दावेदारी हम लोग कर रहे हैं और इस बार 2025 में भी हम लोग सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस तरह का बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहते नजर आए विजय चौधरी, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।